सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। और चलिए अब खबरें विस्तार से। माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग में टकराव की खबर मिल रही है। ट्रांसफर को लेकर दोनों विभागों में खींचतान है। बेसिक शिक्षा विभाग ने दूसरे अफसरों का ट्रांसफर कर दिया। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस पर आपत्ति जताई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने कई DIOS का भी तबादला किया। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत DIOS आते हैं। कई अधिकारियों का दोनों विभागों ने ट्रांसफर कर दिया है और अब दोनों ही विभागों में खींचतान सामने आ रही है। ट्रांसफर को लेकर एक खींचतान सामने आ रही है। बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग में खींचतान की खबरें सामने आ रही हैं। अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर ये खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि DIOS का ट्रांसफर बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कर दिया गया, जिस पर आपत्ति माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जताई है। और दोनों ही विभागों की तरफ से हो रहे ट्रांसफर्स को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। यानी दोनों ही विभागों के बीच में ट्रांसफर खींचतान की वजह बना है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत DIOS के ट्रांसफर कर दिए गए बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा, और इस पर आपत्ति जताई माध्यमिक शिक्षा विभाग ने, चूंकि DIOS माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं। शैलेश अरोड़ा एबीपी गंगा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेश, एक तरफ सीएम योगी तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएं, लेकिन विभागों में आपसी जो संबंध है वही दुरुस्त नजर नहीं आ रहे हैं और खींचतान की स्थिति बन गई है। निश्चित रूप से जो बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग की अगर बात करें, वहाँ पर अगर ऐसी कभी स्थिति आती है कि तबादले होगी कि बेसिक शिक्षा विभाग को अगर माध्यमिक शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी का तबादला करना है या माध्यमिक वालों को बेसिक का, तो वो पहले आपस में सहमति ली जाती है, उसके बाद होता है। अगर कुछ दिन पहले की बात की जाए तो सूत्रों की माने तो बेसिक शिक्षा विभाग ने खुद माध्यमिक शिक्षा विभाग से ये कहा था कि जब भी तबादले किए जाए तो उनके विभाग के अधिकारियों का तबादला ना किया जाए। एक तरफ बेसिक शिक्षा विभाग इस तरह से वहां निवेदन करता है और दूसरी तरफ कुछ दिन पहले जब 30 तारीख को बेसिक शिक्षा विभाग की सूची आती है तो खुद ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का भी तबादला कर देता है। 28 तारीख को माध्यमिक शिक्षा विभाग की लिस्ट जारी होती है तबादलों की, 28 और 29 तारीख को, 30 तारीख को जारी होती है बेसिक शिक्षा विभाग की। ताज्जुब की बात यह है इसमें देखने वाली की बेसिक शिक्षा विभाग उन DIOS का तबादला करता है लगभग आधा दर्जन जो की माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं। ऐसा भी हुआ उसमें कई अधिकारियों के साथ कि दो तीन दिन में दो अलग अलग लिस्ट जारी होती हैं, एक बेसिक शिक्षा की एक माध्यमिक शिक्षा की। कई अधिकारी ऐसे हैं जिनका नाम दोनों लिस्ट में आ जाता है। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि जिन अधिकारियों का दो जगह पर नाम आया है वो आखिर ज्वाइन कहाँ पर करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं तो मथुरा के डाइट के जो प्रिंसिपल डॉक्टर मुकेश है उनकी बात की जाए तो उनको एक लिस्ट में आगरा डाइट का प्रिंसिपल बनाया जाता है, दूसरे में उन्हें आगरा का JD बना दिया जाता है। इसी तरह से अगर बात की जाए एक हृदय राम आजाद की तो उनको माध्यमिक शिक्षा विभाग जो है वो अपना उप सचिव बनाता है, वहीं दो दिन के बाद बेसिक शिक्षा विभाग का लिस्ट जारी करता है तो उन्हीं हृदय राम को वो अपना AD बेसिक बना देता है। इस तरह के कई और मामले भी है तो अधिकारी जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है कि आखिर वो दो लिस्ट में किस जगह पर उनको ज्वाइन करना है। बिल्कुल, और सवाल ये कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन ये दोनों ही विभागों के बीच में आखिर क्यों है। शैलेश आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और लखनऊ से इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। फर्जीवाड़ा करने वाले 85 स्कूलों पर ताला जड़ दिया गया है। BSA ने निर्देश जारी कर दिए हैं, स्कूल खुले मिले तो जुर्माना लगेगा। मान्यता वाली जमीन पर स्कूल नहीं मिले, UDIS के पोर्टल पर भी डिटेल नहीं दी गई, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। 85 स्कूलों पर ताला जड़ने के निर्देश विभाग की तरफ से दिए गए हैं। चूंकि मान्यता वाली जगह पर स्कूल नहीं मिले, साथ ही साथ UDIS के पोर्टल पर भी डिटेल नहीं दी गई, और अगर ये स्कूल खुले मिलते हैं तो इन पर जुर्माना लगाया जाएगा। शैलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हमारे सहयोगी। शैलेश, एक बड़ी कार्रवाई फर्जीवाड़ा करने वाले स्कूलों पर BSA ने की है। निश्चित रूप से देखिए प्राची, आज से कुछ दिन पहले BSA ने जब स्कूल खोलने थे उससे पहले ही एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि
जिन स्कूलों ने यूडाइस पर अपना डाटा अपलोड नहीं किया है वो स्कूल 15 सितंबर तक का उसमें समय दिया गया था कि वो अपना डाटा अपलोड कर दे, अगर ऐसा नहीं करते तो उन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले ही डीएसए जो है लखनऊ के, उन्होंने उसके बाद अपने जो अलग अलग जगह के ब्लॉक के जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर थे उनको दूसरी तरफ ये निर्देश दे दिए कि वो जाएं और ये चेक करें कि आखिर जिन स्कूलों ने यूडाइस का डाटा नहीं दिया है उनकी स्थिति क्या है। तो जब डीईओ जो है वो जिलों अपने अपने ब्लॉक्स में निकले, उन्होंने वहां पर जांच पड़ताल की तो सामने आया कि 85 ऐसे स्कूल है जिन्होंने जिस जमीन के नाम पर मान्यता ली है उस जमीन पर वो चलते ही नहीं है। यानी कि ये एक बड़ा पर्ची वाला था, या तो वो स्कूल कभी खुले होंगे और उसके बाद बंद कर दिए गए, या वो किराए के भवन में चलते थे बाद में अचानक से बंद हो गए। लेकिन दोनों ही स्थितियों में उन्होंने अपना जो विभाग है बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी उनको सूचना देना जरूरी नहीं समझा। इसके अलावा उन स्कूलों ने यूडाइस का जो पोर्टल है उस पर भी अपनी जानकारी अपलोड नहीं की है, डिटेल अपलोड नहीं किए जो कि अनिवार्य है। ऐसे में अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि या तो वो स्कूल बंद हो चुके हैं पहले ही, या फिर उन स्कूलों ने जिस जगह के नाम पर मान्यता ली थी वहां पर स्कूल न चलाकर कहीं और पर स्कूल चलाना शुरू कर दिया जो कि पूरी तरह से अवैध है और वहां के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो भी अमान्य हो जाते हैं। यही वजह है कि उन 85 स्कूलों के नाम की सूची जारी करते हुए बीएसए ने निर्देश दिए हैं कि ये स्कूल अगर कहीं भी चलते मिलते हैं तो उनके ऊपर जुर्माना लगेगा और जुर्माना भी थोड़ा बहुत नहीं, अमान्य स्कूलों के ऊपर जो जुर्माना लगता है वो 1 लाख रुपए का लगता है। अगर इस 1 लाख के जुर्माने के बाद भी स्कूल का संचालन होता है तो रोजाना प्रतिदिन 10,000 रुपए जुर्माने की व्यवस्था है, यही जुर्माना इन स्कूलों पर लगाया जाएगा। और अगर बिल्कुल यानी फर्जीवाड़ा करने वाले स्कूलों की अब खैर नहीं है, कार्रवाई बीएसए की तरफ से की गई है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश तमाम जानकारी के लिए। वहीं रामपुर में सपा सांसद आजम समेत 7 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। पूर्व सांसद जयाप्रदा पर आपत्तिजनक शब्दों को लेकर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता मुस्तफा हुसैन ने आजम खान के अलावा उनके बेटे अब्दुल्ला खान, मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन, संभल के सपा जिला अध्यक्ष फिरोज खान समेत 7 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल 23 जून की रात को एसटी हसन ने जयाप्रदा पर अश्लील टिप्पणी की थी। भाजपा कार्यकर्ता मुस्तफा हुसैन की शिकायत पर सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कराया गया है। हमने मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी सांसद डॉक्टर एसटी हसन साहब, रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खान साहब, स्वार के विधायक अब्दुल्ला आजम, संबल के सापा जिला अध्यक्ष फिरोज खान सहित 7 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है, क्योंकि 30 तारीख की रात को मुरादाबाद के मुस्लिम इंटर कॉलेज में डॉक्टर एसटी हसन साहब ने रामपुर से सांसद रहीं 2 बार, 1 बार राज्यसभा सांसद रहीं, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रहीं, फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा जी के खिलाफ अश्लील और अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिससे रामपुर जनपद के लोग और हम बहुत दुखी हैं। इसी मामले को लेकर हमें रिपोर्ट दर्ज करवाई है। यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट का समारोह में ट्रॉफी बांटने के लिए मोहम्मद आजम खान आए हुए थे। इनके द्वारा माननीय जयप्रदा जी के विरुद्ध अपशब्द टिप्पणी व्यक्त की गई थी, जिसके संबंध में आकाश सक्सेना निवासी कृष्णानगर रामपुर थाना सिविल लाइन के रहने वाले, इनके द्वारा एक लिखित में तहरीर दी गई है कि दिनांक 29/6/2019 को इनके द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसके संबंध में 354/2094/564/66 IT के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसमें जांच की जा रही है। यूपी के सीएम योगी ने 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का फैसला लिया, लेकिन यूपी सरकार के इस फैसले पर अब न सिर्फ विपक्ष बल्कि उन्हीं की पार्टी के अंदर भी सवाल उठने लगे हैं। ओबीसी वर्ग की जातियों को उत्तर प्रदेश की सरकार ने SC के सर्टिफिकेट देना प्रारंभ कर दिए हैं, ये कदापि उचित नहीं है। भाजपा के तेज तर्रार केंद्रीय मंत्री ने ही भाजपा के तेज तर्रार मुख्यमंत्री के दांव को चित कर दिया। अति पिछड़ों को आरक्षण के दांव में भाजपा अपने ही अखाड़े में अपनों के ही दांव पेच में उलझ गई है। सीएम योगी ने 2 दिन पहले ही यूपी की 17 अति पिछड़ी जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग से निकालकर अनुसूचित जाति में डालने का ऐलान किया और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने भरी संसद में 2 टूक योगी के फैसले को अमान्य करार दे दिया। ये संसद का अधिकार है
कि किसी एससी या एसटी या ओबीसी की जाति को किसी वर्ग से हटा करके किसी वर्ग में सम्मिलित करना है। अभी भी अगर उत्तर प्रदेश की सरकार इन जातियों को ओबीसी से एससी में मिलाना चाहती है तो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन करते हुए कोई प्रस्ताव भेजेगी तो हम विचार करेंगे, परंतु अभी जो आदेश उन्होंने जारी किया है वो उचित नहीं है, संवैधानिक नहीं है। योगी सरकार के इस फैसले पर विपक्ष पहले ही हमलावर है। जिस वोट बैंक में सीएम योगी सेंधमारी करना चाहते हैं उसकी नुमाइंदगी का दम भरने वाली बसपा अध्यक्ष मायावती ने योगी के कदम को भाजपा की धोखेबाजी करार दिया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार का ये आदेश इन 17 जातियों के साथ सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि वास्तव में अब इन 17 जातियों के लोगों को ना ही ओबीसी का लाभ मिलेगा और ना ही अनुसूचित जाति का लाभ मिलेगा। अति पिछड़ों के आरक्षण के पीछे उनकी भलाई कितनी है ये तो नेता और सियासी दल बखूबी जानते हैं, लेकिन इस पर सियासत का पूरा खेल यूपी में लंबे समय से चल रहा है। ये जानते हुए कि ऐसा करना राज्य सरकार के बूते के बाहर है, ये हक सिर्फ संसद को है। इसकी शुरुआत हुई भाजपा के ही दौर में। सबसे पहले साल 2001 में तत्कालीन यूपी के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल जस्टिस कमेटी बनाई। हुकुम सिंह की अध्यक्षता में जातियों की 3 श्रेणियां बनाई गई, लेकिन अमल से पहले ही राजनाथ सिंह की सरकार चली गई। फिर 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम यादव ने 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का आदेश जारी किया था। मुलायम के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, बाद में मुलायम सरकार भी बदल गई। मुलायम के बाद मायावती सरकार ने अनुसूचित जाति का कोटा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को खत लिखा और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। मायावती के बाद अखिलेश यादव सरकार ने फिर पिता मुलायम की तर्ज पर बात आगे बढ़ाई, जो एक बार फिर हाईकोर्ट में जाकर अटक गई। आरक्षण पर ऐसा होना हैरानी की बात भी नहीं, ये बात हर मुख्यमंत्री जानता था। इसके बावजूद एक बार फिर सीएम योगी ने ऐसी कोशिश की जिसे उनकी ही पार्टी के प्रचंड बहुमत वाली सरकार के मंत्री ने अमान्य बता दिया। सवाल ये है कि क्या सीएम योगी को नहीं पता था कि उनका आरक्षण का दांव संविधान विरोधी है? क्या सिर्फ सियासत के लिए प्रचंड बहुमत वाली योगी सरकार भी कर रही है खेल? और सवाल ये भी कि आखिर राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और मायावती के दौर से सीएम योगी ने क्यों नहीं लिया सबक? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। राहुल गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ने के अपने फैसले पर अड़े हुए हैं और उन्हें मनाने का दौर भी लगातार जारी है। इसी बीच एक कार्यकर्ता आज अपने नेता को मनाने के लिए खुदकुशी की कोशिश करने लगा। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखते हैं। सरे राह पेड़ से लटक कर फांसी लगाने की कोशिश कर रहा ये शख्स और उसे बचाने के दौरान मची अफरा तफरी और शोर शराबे की ये तस्वीरें दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड की हैं। कांग्रेस दफ्तर के अंदर और बाहर इन दिनों राहुल गांधी को मनाने के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं का मजमा लगा हुआ है, लेकिन मंगलवार की दोपहर एक कार्यकर्ता अचानक पेड़ की डाल पर फंदा लटकाकर फांसी लगाने लगा, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन वक्त रहते हुए मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने उस शख्स को बचा लिया। खुदकुशी की कोशिश करने वाले इस शख्स का नाम हनीफ खान है, जो खुद को दिल्ली कांग्रेस का नेता बता रहा था और वो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से इस्तीफा वापस लेने की मांग कर रहा था। राहुल गांधी इस्तीफा ना दे, भाई इस्तीफा ना दे, इसलिए मैं फांसी लगाना चाहता हूँ। ये अगर इनका इस्तीफा देने का मतलब जो है कि संगठन कमजोर होना और सरकार यही चाह रही है कि क्या नाम है, ये राहुल गांधी इस्तीफा दें और जो है ये कांग्रेस के जो कड़ी को जो है कमजोर किया जाए, पर हम नहीं चाहते कि राहुल गांधी इस्तीफा दें। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पद से इस्तीफा देने पर अड़े हुए हैं और पार्टी में कई दिनों से राहुल के मान मनोवल का दौर चल रहा है। पार्टी के आला नेता रोज राहुल को मनाने के लिए कांग्रेस दफ्तर पहुंच रहे हैं, लेकिन अपने राहुल को मनाने के लिए कोई कार्यकर्ता फांसी लगाने की कोशिश करेगा, इस बात का किसी कांग्रेसी को अंदाजा भी नहीं था। वो सुबह से बार बार कहता मैं फांसी खाऊंगा, मैंने पुलिस को बताया जाके भाई उसको रोको, फांसी घर है, मर गया तो दिक्कत, पहली दफे पुलिस टाइम से पहले आई है, उसकी जान बच गई, मर जाता आज। और हमने बहुत रोका समझाया,
और उसके दिमाग में जुनून है कि राहुल गांधी इस्तीफा वापस ले ले, नहीं तो फिर मरेगा। वो छूटने के बाद फिर फांसी गिरा, उसको 5-10 दिन के लिए जेल भेज। हालांकि कांग्रेस में आलाकमान को मनाने के लिए कार्यकर्ता के खुदकुशी करने की कोशिश का ये मामला नया नहीं है। अब से 15 साल पहले 2004 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया था, उस वक्त कांग्रेस सांसद रहे गंगा चरण राजपूत ने कांग्रेस मुख्यालय के सामने अपने माथे पर पिस्टल तान कर ये कहते हुए सनसनी फैला दी थी कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी तो वो खुद को गोली मार लेंगे। ऐसे में मंगलवार को जब हनीफ खान ने राहुल को मनाने के लिए खुदकुशी की कोशिश की तो लोगों के जहन में एक बार फिर 15 साल पुरानी यादें ताजा हो गईं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो एक तरफ राहुल गांधी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ सदन के भीतर अब कांग्रेस आक्रामक रुख में नजर आ रही है। लोकसभा में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। सोनिया ने रेलवे की बहुमूल्य संपत्तियों को कौड़ियों के दाम में बेचने का आरोप लगाया। सोनिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने निगमनीकरण के इस्तेमाल के लिए रायबरेली के मॉडर्न कोच कारखाने जैसी एक बेहद कामयाब परियोजना को चुना है। उन्होंने निगमनीकरण को निजीकरण की शुरुआत करार दिया। सोनिया गांधी ने लोकसभा में शून्यकाल को में इस मुद्दे को उठाया और कहा कि सरकार एक योजना के तहत उनके संसदीय क्षेत्र रायबरेली के मॉडर्न कोच कारखाने समेत रेलवे की कुछ उत्पादन इकाइयों का निगमीकरण करने जा रही है, जो इन इकाइयों के निजीकरण की शुरुआत है। मोदी सरकार 2 में संसद के भीतर विपक्ष की चंद सीटों पर सिमटी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश से पार्टी की एकमात्र सांसद सोनिया गांधी आज लोकसभा के इस सत्र में पहली बार मोदी सरकार को घेरने के लिए खड़ी हुई। सोनिया ने अपने संसदीय क्षेत्र में रेल कोच फैक्ट्री के निजीकरण की प्लानिंग का आरोप सरकार पर जड़ दिया। मैं सदन का ध्यान सरकार की उस योजना की तरफ खींचना चाहती हूँ जिसमें रेलवे की 6 उत्पादन इकाइयों का कंपनीकरण किया जाने वाला है। इस योजना के प्रथम चरण में रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री होगी। सोनिया ने सवाल उठाया सरकार की मंशा पर। उन्होंने पूछा कि आखिर क्यों ऐसा फैसला लेने की जरूरत पड़ने वाली है और वो सरकार पर बदले का आरोप लगाना भी नहीं भूली। असली चिंता तो इस बात की है कि सरकार ने इस प्रयोग के लिए रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री को चुना है, जो कि कई कामयाब परियोजनाओं में से एक है जिन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने देश के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने यानी मेक इन इंडिया के लिए शुरू किया था। सोनिया ने सरकार को घेरा तो नेहरू को याद करते हुए सरकार को गरीब और मजदूरों का विरोधी भी बता डाला। कंपनीकरण के रास्ते निजीकरण की परिभाषा समझाते हुए उन्होंने सरकार को पूंजीपतियों के पाले में खड़ा कर दिया। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का बुनियादी पर्व लोक कल्याण, निजी पूंजीपतियों का लाभ पहुंचाना नहीं। सरकार को घेर रही सोनिया ने रायबरेली के मजदूरों का दर्द बयां करने की भी कोशिश की और ये भी बता दिया कि उनकी जिंदगी अब संकट में घिरने वाली है। दुख की बात यह है कि अब उन सभी का और उनके परिवारों का भविष्य भारी संकट में है और किसी को भी यह समझना मुश्किल है कि क्यों यह सरकार ऐसी औद्योगिक इकाई का कंपनीकरण करना चाहती है। अब सरकार सोनिया के इस आरोप पर क्या जवाब देती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन चुनावों में हार के बाद इंच इंच सरकार को घेरने का जो ऐलान कांग्रेस ने किया है उसका आगाज सोनिया ने जरूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बरेली से हैरान करने वाली तस्वीर आई है जहां सरयाम बीच सड़क पर कुछ दबंगों ने लाठी डंडों के जोर पर एक युवती को अगवा कर लिया।
ये पूरा मामला भोजीपुरा थाना के घघोरी गांव का बताया जा रहा है। पूरी घटना का वीडियो भी वायरल हो चुका है। वारदात 30 जून की बताई जा रही है। अब आपको ये बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल इस लड़की ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ अपनी पसंद की शादी कर ली थी, जिसकी लगातार घर वाले मुखालफत कर रहे थे। और बताया जा रहा है कि वीडियो में लड़की के घर वाले ही हैं जिन्होंने बीच रास्ते में न केवल युवती के पति की पिटाई की बल्कि लड़की को अपने साथ उठा कर ले गए। हालांकि मामला पुलिस तक पहुंचा तो उसने लड़की को छुड़ा लिया, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। उधर औरैया में अक्षरधा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से पर्स और बैग लेकर भाग रहे लोगों ने युवक की पिटाई कर दी। युवक की पिटाई के बाद युवक को जीआरपी के हवाले कर दिया गया। ट्रेन से पर्स और बैग लेकर भाग रहे युवक को लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। युवक को जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आए दिन स्टेशन पर ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, बावजूद इसके कोई एहतियात नहीं बरती जा रही।